नमस्कार। इस पाठ में हम जानेंगे कि अन्वेषणात्मक रिपोर्टिंग किसे कहते हैं। एक जागरूक पत्रकार मात्र सूचना ही नहीं देता, किसी घटना की इतिवृत्ति ही नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि वह किसी सूचना खबर की तह में प्रवेश कर रहस्यपूर्ण तथ्यों को उद्घाटित करता है, दबी हुई सच्चाइयों को उजागर करने एवं छिपाई जाने वाली घटनाओं की पर्दाफाश करने वाली शक्तिशाली विधा ही अन्वेषी पत्रकारिता है, जिसे जनमानस चैतन्य होता है। अन्वेषी पत्रकारिता ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों का संकलन, विकल्पों का विश्लेषण, तर्कयुक्त विचारों एवं पुष्ट निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण होता है। अंग्रेजी का इन्वेस्टिगेट शब्द लैटिन के वेस्टिजियम से बना है, जिसका अर्थ है पदचिन्ह। अन्वेषी पत्रकार किसी सूचना की गहराई तक जाता है, उसके पदचिन्ह पर आगे बढ़ते हुए वह एक सफल शिकारी की भांति अपने शिकार के पीछे पड़ा रहता है। काक चेष्टा और बकोध्यानम के संबल पर अध्यावसायी पत्रकार दूर की कोणी छान लेता है। पत्रकारिता में बहुचर्चित शब्द रिपोर्ट है, जिसका सामान्य अर्थ है शीघ्रता के साथ सही सूचना देना। सूक्ष्म विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि रिपोर्टिंग शब्द रिपोर्टेयर से निकला है, जिसका तात्पर्य है अन्य स्थान से कुछ पीछे ले जाना। वास्तव में रिपोर्टिंग ही सूचना की गहराई में ले जाने का भाव व्यक्त करता है। अमेरिका के अन्वेषी पत्रकार बॉब ग्रीन ने अन्वेषण परक रिपोर्टिंग में दो बातों पर बल दिया। ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री या जानकारी प्रकाशित करना जिसे निहित स्वार्थ वाले छिपाना चाहते हैं, और दूसरा जो अपनी स्वयं की खोज हो, पहले से जिसका रहस्योद्घाटन न हुआ। अन्वेषी पत्रकारिता में गोपनीयता का वेधन होता है। इसमें ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं जिसे सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाएं गोपनीय रखना चाहती हैं। अन्वेषी पत्रकारिता ऐसी सच्ची पत्रकारिता है जो समाजोपयोगी तथ्यों को पूर्ण निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित करती है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने एक बार कहा था कि आवश्यक नहीं कि हम उत्तर दें, आवश्यक यह है कि हम सही सवाल करें। हमारे सवाल बता देते हैं कि उत्तर क्या होगा। पत्रकारिता का कार्य यह बतलाना है कि सड़ांध कहां से आ रही है, और इसका पता पाने के लिए पत्रकारिता को जासूसी और वकालत का पर्याय बनना होगा। अन्वेषी पत्रकारिता द्वारा समसामयिक विषय, घटना और स्थिति का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, सर्वेक्षण तथा निष्कर्ष प्राप्ति होती है। अन्वेषी पत्रकारिता की लक्ष्य रिपोर्ट। अन्वेषी पत्रकारिता कानून व्यवस्था की त्रुटियों को प्रकाशित करती है तथा शासन को सुव्यवस्थित कर उसे लोकहितकारी बनाती है। भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, विपथगामी को सन्मार्ग पर लाना तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, ये सब कार्य अन्वेषी पत्रकारिता द्वारा ही संपादित हो सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में पर्दे के अंदर होने वाले कुकृत्यों, अन्यायों और दुराचारों का पर्दाफाश करके ही अन्वेषी पत्रकार समाज में स्वस्थ मानक स्थापित कर सकते हैं। अन्वेषी पत्रकारिता से पत्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका प्रचार बहुगुणित होता है तथा उसे अधिक विज्ञापन मिलते हैं। इस तरह पत्र को आर्थिक दृष्टि से पुष्ट बनाने में ऐसी पत्रकारिता वरेण्य होती है। संप्रति अन्वेषी पत्रकारिता ही पत्र जगत के लिए गौरव प्रतीक है। पत्रकारिता के प्रति जन जन में आस्था के भाव इसी के कारण है। लोकतंत्र इसी से बल पाता है। सार्वजनिक सम्मान के साथ अर्थ लाभ सुलभ कराने में अन्वेषी पत्रकारिता उल्लेख्य है। अन्वेषी रिपोर्टर के गुण। अन्वेषी पत्रकार धैर्य, एकाग्रचित्ता, साहस,
और निष्ठा की प्रतिमूर्ति होता है, जिसकी थाती होती है निर्भीकता, विश्वसनीयता तथा विचार स्वतंत्रता। अनुशासन, आत्मसंयम और सौहार्दपूर्ण सहयोग के बल पर वह अपने लक्ष्य में सफल होता है। एक सफल पत्रकार एक सफल गुप्तचर है और कभी कभी तो सिंहासन को झकझोर देता है। सांप्रतिक पत्रकारिता में खबर व्यवसायिक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जिनकी सीमा बेचने और खरीदने वालों के स्वार्थों के द्वारा निश्चित होती है। इसलिए आज पत्रकार का काम केवल खबर बेचना है तथा इसकी उपयोगिता तभी तक है जब तक वह खबरें बरामद कर सकें। खबरों को बरामद करने में पत्रकार समाज विरोधी लोगों से साठगांठ करता है, भ्रष्ट नेताओं से संबंध रखता है ताकि घटनाओं का सुराग मिलता रहे। राजनेताओं और पत्रकारों के बीच एक तरह का संबंध रहता है। फिर अनवेशी पत्रकार में समाचार सुनने और समाचार खोदने की अद्भुत क्षमता होती है। उसकी घ्राण शक्ति का सभी लोहा मानते हैं। गबन हो या भ्रष्टाचार, चोरी हो या डाका, जालसाजी हो या रिश्वतखोरी, सभी की ओर उसकी दृष्टि दौड़ जाती है। उसके समाचार का आधार अंधकार है। अंधकार में ही सभी छद्मवेशी बनते हैं और अनधिकृत व्यवसाय में लगे रहते हैं। अंधकार में ही काले कारनामे होते हैं। अंधकार दुष्कर्म और अनधिकृत कार्यों का आधार है, जिस ओर पत्रकारिता की दृष्टि दौड़ जाती है। अनवेशी पत्रकार बोर्डम, मोनोटनी, घिसी पिटी जिंदगी का आदि नहीं होता। वह भूत के आदर्शों की याद दिलाता है, वर्तमान को दोष मुक्त करता है और भविष्य के आदर्श से परिपूर्ण बनने की चेष्टा करता है। वह नवीनता का साधक और मौलिकता का सर्जक होता है। प्रत्येक दिन नई बात सोचता है, नएपन की खोज करता है। वस्तुतः अनवेशी पत्रकार नूतन कल्पना का ब्रह्मा, कल्याणकारी संस्थाओं का विष्णु, कुरीति, काली मां, कदाचार, कुकृत और कलमश विध्वंसक एवं अंतिम सत्य स्वरूप साक्षात शिव है। अनवेशी पत्रकार, अनवेशी रिपोर्टर तथा कानून। समाचार पत्र कोई ऐसा अभ्यारण्य नहीं है जहां छिपकर पत्रकार कानून भंग करने के बाद भी सुरक्षित बचा रहे। एक सामान्य लेखक की अपेक्षा पत्रकार को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। वह भी विधि विधान, आचार व्यवहार, लोक मर्यादाओं की सीमा से बंधा है। अपने राष्ट्र का संविधान पत्रकारों के लिए स्वतंत्रता की बात अलग से नहीं व्यक्त करता। सब नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता या मनमानी का पर्याय नहीं है। वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो आत्मसंयमी और अनुशासित हो। वस्तुतः स्वतंत्रता का मूल्य निरंतर सावधानी है। एक अनवेशी पत्रकार निम्नलिखित कानूनी पेचीदगियों को अच्छी तरह समझकर लेखनी चलाता है, जैसे अपमान लेख या मानहानि को ध्यान में रखता है, किसी की मानहानि ना हो जाए, न्यायालयों की अवमानना ना हो जाए, संसदीय विशेषाधिकारों के प्रति दायित्व, कृति स्वाम्य, सरकारी रहस्य अधिनियम, प्रेस संबंधी कानून और शिष्टाचार और सदाचार की मर्यादा। प्रत्येक पत्रकार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें गुप्त सूचनाओं के अनुचित संचार को रोकने की व्यवस्था है। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार वर्ज्य स्थान में जाना और उसका निरीक्षण करना बिल्कुल मना है। वहां का कोई स्केच, प्लान, मॉडल या चित्र लेना प्रतिबंधित है। इसकी अवज्ञा करने पर जमानत भी नहीं होती, जैसा कि CRPC की धारा 498 में प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 499 मानहानि की स्थिति में ही पत्रकारों हेतु माननीय है। इस धारा में मानहानि की जो परिभाषा दी गई है वो इस तरह से है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के संबंध में कोई आरोप या लांछन लगाए या प्रकाशित करे और यह जानता हो या जानने की स्थिति में हो कि यह आरोप या लांछन उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएगा, तो वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, सिविल डिफेंस, पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ
इनिशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज आदि विधि विधानों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद ही अनवेशी पत्रकारों को कहानी प्रकाशित करनी चाहिए। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931, फॉरेन रिलेशंस एक्ट 1932, इंडियन पीनल कोड की धारा 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A, 500, 501, 502, 505 के अतिरिक्त यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशंस एक्ट 93 पर सम्यक ध्यान देकर जमानत, प्रकाशन अवरोध एवं प्रेस की जब्ती जैसे दंड से बचा जा सकता है। उपर्युक्त सभी विधि विधानों में सत्य, सार्वजनिक हित और सद्भावना निहित है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह की प्रतिष्ठा पर आघात ना हो, स्वार्थ प्रेरित गलत बयानी ना हो, गलत फहमी फैलाकर समाचार को विचलित ना किया जाए, ऐसी ही अपेक्षा पत्रकारों से समाज को रहती है। यदि पत्रकार दुर्भावना से प्रेरित होकर कलम चलाने लगे तो वह सार्वजनिक हितों पर कुठाराघात करने लगता है। असत्य या अर्धसत्य का सहारा लेने वाला अनवेशी पत्रकार न केवल कानून का दोषी है, अपितु वह पावन पत्रकारिता की परंपरा का सत्यानाश करता है। कानून, निषेध, प्रतिबंध तो अश्लील, अवैध, अनुचित और आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन को रोकते हैं। सामाजिक दायित्व की पूर्ति में अनवेशी पत्रकार पूरी सत्यनिष्ठा, निर्भीकता, उत्तरदायी स्वातंत्र और लोक सेवा की भावना के साथ विधि विधानों का सम्यक परिपालन करता है। अनवेशी रिपोर्टर और पुलिस एवं पत्रकारों की एक राशि, दोनों एक दूसरे को एक पूरक है। पुलिस का कार्य अपराधों का अन्वेषण और अपराधियों को पकड़ना है, जबकि पत्रकारों का कार्य अपराधों की जानकारी और पुलिस की कार्रवाई को जनता तक संप्रेषित करना है। पत्रकार चाहता है कि अपराध संबंधी सभी तथ्यों को पुलिस बतला दे। पुलिस के समक्ष संकट उपस्थित रहता है, वह पत्रकार को कितना बतलाए, क्या बतलाए, ताकि भविष्य में जांच पड़ताल पर कोई बुरा असर ना पड़े। पत्रकार गोपनीयता के पर्दे हटाता है और पत्र पाठकों को वस्तु स्थिति की जानकारी देता है। किसी भी समाज के व्यक्तिगत जीवन में झांकने, हस्तक्षेप और बिना अनुमति के फोटो खींचने, फोन टैप करने, डाक पत्र खोलने का अधिकार किसी पत्रकार को प्राप्त नहीं, लेकिन साधन संपन्न वर्ग की गोपनीयता का अधिकार सामान्य जन को सूचना के अधिकार से वंचित करता है। कुछ पत्रकारों की मान्यता है कि पुलिस संवेदन शून्य, असामाजिक और पैसे की भूखी संस्था है। पुलिस की धारणा है कि पत्रकार पगड़ी उछालने और कीचड़ फेंकने वाले चुटभैये हैं। इसी दृष्टि दोष के कारण पुलिस और पत्रकार तनावग्रस्त होते हैं। यदि उनमें मधुर संबंध स्थापित हो तो अपराध के संगीन मामले सरलता से पकड़ में आ जाएं। कभी कभी मिलीभगत के कारण अपराधों पर सदैव के लिए पर्दा डाला जा सकता है। अनवेशी रिपोर्टर और समाज। भारतीय प्रेस परिषद ने खोजी पत्रकारिता के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। खोजी पत्रकारिता के 3 मूल तत्वों का भी उल्लेख किया। यह है, एक तो संवाददाता का काम होना चाहिए, दूसरा यह दूसरों की रिपोर्टिंग पर आधारित ना हो, तथा खोज का विषय जनहित से जुड़ा होना चाहिए, तथा ऐसा सत्य सामने लाना चाहिए जिसे जनता से छुपाने का प्रयास किया गया हो। दरअसल अखबार उद्योग में आई अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति के साथ साथ अखबार नवीशों के समक्ष दिनों दिन नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे समाज में सफेदपोश आर्थिक अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक आम पाठक अगर प्रतिदिन नई और खोजपूर्ण सूचनाएं चाहता है तो इसे अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। खोजी पत्रकारिता के नाम पर पाठकों को मनगढ़ंत किंतु रोचक सामग्री परोस दी जाती है। इसे पत्रकारिता और समाज के स्वस्थ विकास के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रेस परिषद द्वारा खोजी पत्रकारिता के लिए जारी दिशा निर्देश दूरगामी महत्व के साबित होंगे। अनवेशी पत्रकार के लिए 3 बातों का महत्व है। पहली बात तो यह कि उसे संपादक और प्रकाशक का विश्वास प्राप्त हो।
दूसरी बात उसका सुपुष्ट संपर्क सूत्र है, तीसरी बात है समाचार के स्रोत की गोपनीयता। इन तीनों के समन्वय से सत्य का प्रवक्ता बनता है। लॉस एंजलिस टाइम्स के ओटिस सैंडलर का मत है कि सत्य का सामाजिक मूल्य तो है ही, फिर चाहे सत्य से किसी को चोट पहुंचे या उसकी आंच से झुलसे। आज के एनवेसी पत्रकार विभिन्न विभागों की अंधेरी कोठरी में छिपे नरकंकालों तक पहुंच जाते हैं, विभिन्न तथ्य उजागर करते हैं। भविष्य में वे गुप्तचर पत्रकारिता के उन्नायक माने जाएंगे। दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक का संवाददाता मामूली अपराध करके तिहाड़ जेल चला गया और वहां से आकर उसने जेल के भीतर होने वाले अपराधों और वहां की अव्यवस्था का विशद वर्णन किया। ऐसा करके पत्रकार ने जेल में फैली अव्यवस्था को दूर करने में भारी योगदान किया। भले ही कुछ लोग अनवेशी पत्रकारिता को बकवास, धमाका या अटकलबाजी कह लें, परंतु हवा का रुख और टुमारोज न्यूज टुडे का अपना महत्व है। आज के अनवेशी पत्रकार घटनाओं के सागर में अपने को डुबो देते हैं तथा अपने महाचेतन सामर्थ्य के बल पर वे घटनाओं के अंतिम परिणाम को पहले ही भांप लेते हैं। तो इस पाठ में आपने जाना कि अनवेशी पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता किस तरह से की जाती है। अगले पाठ में हम नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे।